चार प्रकार के होते हैं। अब विवाह का नाम सुन के जिनका गृहस्थ जीवन अच्छा है उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई, वरना कुछ तो सोच रहे होंगे साध्वी जी हम भी जानते हैं कि विवाह क्या होता है। प्रथम विवाह ब्राह्मण विवाह, क्या बोलना पड़ेगा? माँ बाप बच्चे के लिए लड़की के लिए अच्छा वर अच्छी वधु देखते हैं और ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण के द्वारा विधि विधान से जो विवाह किया जाता है उसे ब्राह्मण विवाह कहते हैं। सुन रहे हो? एक होता है गंधर्व विवाह। पहले के जमाने में राजा महाराजा वो विवाह करते थे। तीसरा होता है, एक होता है राक्षस विवाह, हरण करके जो विवाह किया जाता है, और एक होता है पिशाच विवाह। ना लड़की राजी है, जबरदस्ती जब किसी के साथ की जाती है तो वो पिशाच विवाह होता है। सबसे अच्छा विवाह ब्राह्मण विवाह माना गया है। देखिए, माँ बाप बच्चे के लिए एक प्रेरणा होते हैं और माँ बाप के लिए बच्चे उसका स्वाभिमान होते हैं, उसका अभिमान होते हैं। माँ बाप कुछ भी करके अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरा करते हैं। सुन रहे हो? और बच्चे भी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि मेरे माँ बाप प्रसन्न रहे। लेकिन ये संबंध एक जगह आकर थोड़ा बिखर जाता है और वहां बिखरता है जिस घर में संस्कार नहीं होते। कहा जब बच्चा विवाह के लायक होता है तो जिन घरों में संस्कार है वो बच्चे तो अपने माँ बाप की इच्छा से विवाह कर लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ बच्चे अपनी मर्जी से विवाह करते हैं। जब विवाह का समय आता है तो माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों से क्या पूछना। देखिए, अपने माँ बाप से हर बात बताइए, अपने माँ बाप से कोई भी बात मत छुपाइए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपका कोई भला चाहता है तो वो आपके माँ बाप चाहते हैं और वो जो भी फैसला ले उसका सम्मान करिए। इसलिए माँ बाप को भी और बच्चों को भी अपने माँ बाप से इस विषय पर बात करनी चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा?